हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लाइट के जितने भी मेन पॉइंट्स सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लाइट एक एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है देखने में। लाइट इज एनर्जी, हेल्प अस, एनर्जी हेल्प टू सी अस सी। जितने भी मटेरियल होते हैं वो तीन लाइट के हिसाब से तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो वो होते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट वो होता है जो लाइट को कम्प्लीटली दूसरी तरफ जाने दे। तो उसके हैं एग्जांपल है प्लेन ग्लास, क्लीन वाटर। फिर ओपेक वो होता है जो लाइट को रोक दे, मतलब अपनी दूसरी तरफ नहीं जाने दे, जैसे कि वुड, स्टोन एट्सेट्रा। और फिर ट्रांसलूसेंट होता है अलाउ लाइट पार्सली। तो जो ट्रांसलूसेंट वो होता है जो लाइट को थोड़ा सा जाने दे, मतलब पूरा नहीं जा पाए लाइट। तो जैसे ट्रांसलूसेंट के एग्जांपल है रफ ग्लास, ऑयली पेपर एट्सेट्रा। तो जैसे ये विंडो है, ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ये लाइट को दूसरी तरफ जाने दे रही है। फिर ये आइस है वो ट्रांसलूसेंट है क्योंकि आइस की दूसरी तरफ थोड़ी सी लाइट जा रही है, तो ये ट्रांसलूसेंट हो गया। और फिर ये ट्री है, ये ओपेक है क्योंकि ये लाइट को अपनी दूसरी तरफ नहीं जाने दे रही है और ये एक शेडो बना रही है। तो शेडो क्या होता है? ओपेक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट शेडो, डार्क फेंट ऑन स्क्रीन, ग्राउंड वॉल एट्सेट्रा व्हेन ब्लॉक लाइट। तो शेडो होता है जैसे कि कोई भी ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है वो शेडो बनाता है जब लाइट उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। और जो वो स्क्रीन क्या होता है, जैसे कि इस पिक्चर में जो ट्री है ये लाइट को दूसरी तरफ नहीं जाने दे रहा है, तो ये ग्राउंड पे एक शेडो बना रहा है, तो ग्राउंड एक स्क्रीन है। और ओपेक ऑब्जेक्ट से डार्क शेडो बनता है और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से लाइट शेडो बनता है। फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जो लाइट का सोर्स हो, मतलब वो लाइट देता हो। तो जैसे एग्जांपल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के सन, स्टार, लाइटिंग इन क्लाउड, मशरूम, फायर कैंडल, बल्ब, एलईडी एट्सेट्रा। और जैसे कि इस फोटो में सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो वो देखो यहाँ पे लाइट दे रहा है, तो सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट ना हो, वो उनकी खुद की लाइट नहीं होती और वो लाइट नहीं देते हैं। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट वो होते हैं जैसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो तो उनकी खुद की लाइट तो होती नहीं है, तो वो जब उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसी को हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट एंड कैन बी सीन बाई ह्यूमन आई। एग्जाम्पल है मून, तो मून के ऊपर सन की लाइट पड़ती है और वो हमें दिखाई देता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखती है। तो हमको सबको पता है कि सन एक लाइट का सोर्स है, तो सन इस पेड़ पे लाइट अपनी देता है। तो जो ट्री क्या करता है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और हम उसे देख सकते हैं। और जो ट्री है वो तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ट्री क्या करता है कि एक शेडो बना देता है क्योंकि ट्री लाइट को ब्लॉक कर रहा है।
सन की जो लाइट होती है वो हमारे आँख पे पड़ती है, इसलिए हम सन को देख सकते हैं। फिर मून, मून है, मून की खुद की तो लाइट होती नहीं है, तो मून क्या करता है कि सन मून को सन के मतलब सन मून को लाइट देता है और मून वही रिफ्लेक्ट हमारे आँखों हमारी आँखों पे रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसी से हमें मून दिखाई देता है। ऑप्टिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो सन की लाइट को हम व्हाइट लाइट कहते हैं। तो जो सन की लाइट होती है उसको अगर हम प्रिज्म से गुजारें तो हमें 7 कलर्स दिखते हैं। तो और जो सन जब बारिश का मौसम होता है तब अब हम देखते हैं कि रेनबो बना होता है, वो सन की लाइट की वजह से ही बना होता है, क्योंकि जब बारिश की बूंदें सन की लाइट से वो होती है तब हमें ये 7 कलर्स दिखाई देते हैं, इसी को डिस्पर्शन कहते हैं। रेनबो में हमें ये 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो इन 7 कलर्स को याद करने के लिए एक कोड है विबग्योर, तो इससे हमें वी से हो जाता है वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। और लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में 299,792,458 meters per second या 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड या 186,282 miles per second। स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोएस्ट इन डायमंड 1.24 किलोमीटर लाख पर सेकेंड। और सन और मून जो होते हैं उनको अर्थ पे टाइम लगता है, अर्थ पे लाइट आने की टाइम लगता है, सन को लगता है 8 minutes 20 seconds और मून को लगता है 1.3 seconds। लाइट ईयर एक यूनिट होती है डिस्टेंस की, ये बहुत ही बड़ी होती है और इसमें क्या होता है कि लाइट ट्रेवल मतलब लाइट एक साल में कितना ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में, और 1 light year की वैल्यू होती है 9.46 × 10^12 किलोमीटर। तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में। तो जैसे कि जैसे वाटर, एयर या ग्लास, इन सब में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन मीडियम, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कोई भी और ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड की बराबरी नहीं कर सकता, नो फिजिकल ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल एट और मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो अब मैं आपको लाइट के यूज़ बता रहा हूँ। लाइट के बिना हम देख नहीं सकते, और सन लाइट से ही हमारा अर्थ गर्म रहता है, और फोटोसिंथेसिस फूड और ऑक्सीजन से होता है। जैसे कि यहाँ पर जो प्लांट होता है उसको सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है, फिर प्लांट अपना खाना बनाता है, और जब वो खाना बनाता है तब वो ऑक्सीजन छोड़ता है, और सनलाइट से ही हमें विटामिन डी मिलती है। फिर लाइट से हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर, लाइट से ही हम सर्जरी, वेल्डिंग, ड्रिलिंग, बारकोड रीडर, ये सब भी हम लाइट से ही करते हैं। लाइट शो भी लाइट से होता है, जैसे यहाँ पर लाइट शो हो रहा है, ये भी लाइट से ही हो रहा है। फिर सोलर एनर्जी, तो ये क्या करता है हम कि सन लाइट लेता है और ये जो प्लेट होते हैं ये सन लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं।
तो लाइट की वजह से भी लाइट की वजह से ही वाटर साइकिल होता है। क्या होता है कि सनलाइट से जो पानी होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है और फिर वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है और फिर क्लाउड के रूप में बारिश होती है। फिर लाइट से ही हम फोटोग्राफी करते हैं, जैसे कि ये पिक्चर है। अब लाइट नहीं होगा तो सब कुछ हमें दिखाई नहीं देगा, तो लाइट से हम फोटोग्राफी भी करते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सभी पॉइंट्स याद भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।